हरे कृष्णा। तो आज हम आए श्री एक चक्रधाम। ये वही स्थान है जहाँ पर श्री नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ था और यहाँ पर पहुँचते ही हमने किया हरि नाम संकीर्तन। तो इतने ज्यादा सुंदर दर्शन करने के बाद हमने पाया बहुत ही स्वादिष्ट प्रसादम हरि भोग। ये नित्यानंद एक चक्र धाम है। हम लोग बहुत सौभाग्यवान हैं जो आप लोग भगवान को दर्शन करने के लिए माता जी के सत्य छाया में आप लोग आए। बहुत अच्छा है ये। तो ये धाम दर्शन कर जाने का टाइम कुछ हमको थोड़ा नियम फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये धाम बहुत सेंसिटिव प्लेस होता है कि नहीं। धाम में 10 अपराध रहते हैं, इसलिए हम अपराध मुक्त होकर धाम दर्शन करेंगे। श्रवण से दर्शन होता है ना, आंखों से देखेंगे दर्शन, कानों से करेंगे। सबसे पहले सिद्ध गोपाल प्रभु हमें इस स्थान पर लेकर आए हैं। ये बहुत ही सुंदर मंदिर है, आप दर्शन कर सकते हैं बाहर से। यहाँ पर हम आपको अंदर से दर्शन नहीं करवा पाएंगे। तो ये जो स्थान है, ये हडाई पंडित और पद्मावती का घर है, जो कि स्वयं भगवान श्री नित्यानंद प्रभु के माता पिता है, और भगवान की जो जन्म लीला है वो इसी स्थान पर हुई है। तो इसके बाद प्रभु हमें लेकर गए हाथूगढ़ा। बहुत ही सुंदर पौंड है। हाथू अर्थात घुटने और गड़ा मतलब कि बैठना। इस स्थान पर नित्यानंद प्रभु घुटनों के बल बैठकर पानीहाटी, जैसे चिड़दही फेस्टिवल हम सुनते हैं, तो चिड़दही फेस्टिवल जो था उसका भी यहाँ पर लीला किया करते थे। और इसी स्थान पर नित्यानंद प्रभु ने अपनी माता पद्मावती की इच्छा थी एक बार गंगा स्नान करने की, तो नित्यानंद प्रभु ने सभी तीर्थों को इसी स्थान पर बुलाकर आह्वान करके ये बहुत ही सुंदर एक पौंड बनाया। यहाँ पर फिर सभी एक चक्रवासियों ने और नित्यानंद प्रभु के माता पिता हडाई पंडित पद्मावती, उन्होंने स्थान पे स्नान किया, तो नित्यानंद ने उनकी इच्छा पूरा किया। ये जो स्थान है इसको नाड़ी पोता बोलते हैं। भगवान नित्यानंद प्रभु की जो एम्बिकल कॉर्ड थी उसको यहाँ पर गाड़ दिया गया था, और इसके पास में जो बकुल का वृक्ष है, यहाँ पर नित्यानंद प्रभु अपने मित्रों के साथ में विश्राम किया करते थे या कुछ खेल खेला करते थे, जैसे कि भगवान राम और कृष्ण की लीलाएं हैं। और ये जो वृक्ष है, जब नित्यानंद प्रभु विश्राम करते तो शेषनाग के रूप में उनको विश्राम करते समय अपने पत्तों से और जो टहनियां थी उससे उनको छाया किया करता था। तो ये जो वृंदावन में केशी घाट में जो हमारा कालिया दमन लीला हुआ था नित्यानंद बचपन में, ये पेड़ से एक बार कालिया दमन लीला किया। और फिर अब हमने ये दर्शन किए हैं श्री गौड़िया मठ मंदिर के। यहाँ पे बहुत ही सुंदर और भव्य दर्शन है श्री गौड़निताई के। और इसी स्थान पे सिद्ध गोपाल प्रभु ने हमें पांडव तला की भी कथा सुनाई। श्री गौड़निताई भगवान की जय। और अब हम जा रहे हैं बहुत ही सुंदर स्थान जिसका नाम है पांडव तला। ये जो स्थान है केली कदम के जो वृक्ष है उनसे पूरा घिरा हुआ है, बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। और यहाँ पर स्वयं श्री व्यास देव जो है माता कुंती और पांचों पांडवों के साथ स्थान पर आए थे, और वनवास के समय पे इसी स्थान पर पांचों पांडव माता कुंती के साथ रहे थे, और यहाँ पर स्वयं भीमसेन ने बकासुर का वध भी किया था। मंदिर जो है बहुत सुंदर है। इसके बाद हमने साथ ही दर्शन किए ये जगन्नाथ भगवान के। हमारे एक भक्त हैं, ये उनके घर पे ही मंदिर बना हुआ है छोटा सा, और बहुत ही सुंदर भगवान श्री जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा के यहाँ पर श्री विग्रह है। तो उनके बाद हमने दर्शन किए श्री बांकराय के। बांकराय कहाँ से आए? बकराय मीन्स बांके बिहारी, यहाँ बकराय। तो नित्यानंद प्रभु को एक दिन सपने में देखा था जो मैं वहाँ आ रहा हूँ विग्रह रूप से, आप हमको लेकर प्रतिष्ठा करके इसको पूजा की व्यवस्था की। तो हमारा जो करदम खंडी जो जमुना है वहाँ से नित्यानंद प्रभु जो भी शक्तिशील खेला संपादन करके वहाँ नहाने लेके आते थे, तो उस टाइम पानी में बकराय आया, तो बकराय को उठा के रिसीव करके उसको विग्रह सेवा करने लगा छोटा एक मंदिर में। इस मंदिर यहाँ था, ये जो अभी तुलसी वेदी हो रहा है यहाँ छोटा एक मंदिर था छोटा। तो उस मंदिर में कौन सेवा करते थे? नित्यानंद प्रभु का बेटा वीरभद्र प्रभु। तो वीरभद्र प्रभु सेवा करते करते अप्रकट हो गए। वीरभद्र प्रभु का समाधि ये जो अंदर देख रहे हैं ना, दाहिने तरफ गेट है, यहाँ वीरभद्र प्रभु का समाधि मंदिर के अंदर ही है। ये बंद रहते हैं हर टाइम, आप देख नहीं सकते। तो यहाँ उसका समाधि है, और बीच में है बकराय।
बाएं तरफ जानुमा माता, दाहिने तरफ राधा रानी। लेकिन यहाँ का जो कथा है इसमें है जानुमा और वसुधा माता, लेकिन प्रभुपाद ने थोड़ा अलग डिस्कशन किया इसका। उन्होंने बोला बाएं तरफ जानुमा माता, दाहिने तरफ इस राधा रानी। तो नित्यानंद प्रभु जो भी जानुमा माता को लेकर यहाँ आया एवं भगवान के पास प्रार्थना करने लगा, प्रार्थना करते करते मंदिर का अंदर चले गए। अंदर चले जाने के बाद विग्रह का सत अप्रकट हो गया, वापस नहीं लगा। तो उस टाइम नित्यानंद प्रभु का जो पत्नी जानुमा माता यहाँ थे, तो उन्होंने प्रश्न किया जे हे प्रभु, आप तो लीला संपादन करके चले गए, हम क्या करें। उस टाइम नित्यानंद प्रभु को उसका वाणी दिया जे मैं यहाँ हूँ, इसका प्रमाण तुम साथ में रहो। तो पति के पास पत्नी रहते, पत्नी के पास पति रहते, तो जानुमा माता है उसका साइड में पति बकराए एंड बाई तरफ इस राधा रानी। तो यहाँ अप्रकट हो गया, इसलिए पत्नी पास है। क्यों? पत्नी को देखकर आप सोचेंगे यहाँ नित्यानंद प्रभु है, तो इसका मतलब नित्यानंद प्रभु यहाँ जो प्रकटस्थ है इसका प्रमाण है बकराए, बकराए इस नित्यानंद प्रभु। जय बकराए भगवान की, जय जन्नुभा माता की, जय वसुधा माता की, जय राधा रानी की। श्री श्री एक चक्र धाम की जय। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर दर्शन पाने के बाद हम निकल पड़ते हैं श्री धाम मायापुर की ओर। हरि बोल। आपकी हरि यात्रा हरी सफल और बहुत। हरि बोल, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए आपको भगवान जी के दर्शन करवाते हैं। हरि बोल। Bye.
आज के दर्शन बहुत ही अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।